अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको लॉजिकल गेट्स जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक या डीएलडी में यूज़ हो रहे हैं एंड डिजिटल सिस्टम में यूज़ होते हैं, बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको उसकी मल्टीसिम सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन भी दिखाऊंगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन ईच गेट विथ इट्स ट्रूथ टेबल, उसका ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई करेंगे। सो हमारे पास किसी भी डिजिटल सिस्टम में अगर स्विचिंग की बात की जाए तो वहाँ पे लॉजिक गेट्स मेन रोल प्ले करते हैं, दे आर वाइटल देयर। तो किसी भी डिजिटल सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कहें तो लॉजिकल गेट्स होते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ़ लॉजिकल गेट्स की, तो हमारे पास टोटल 7 नंबर ऑफ लॉजिकल गेट्स हैं, जिसमें से 3 हैं फंडामेंटल एंड देन बाकी 4 उनमें से ड्राइव किए गए हैं। तो जो फंडामेंटल हैं उनमें से पहला है एंड गेट, दूसरा और गेट और तीसरा नॉट गेट। उसके बाद जो ड्राइव हैं 4, वो उनमें से आ जाते हैं नॉर गेट हमारे पास, नैंड गेट एंड नॉर गेट, नैंड गेट एंड एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर स्टैंड फॉर एक्सक्लूसिव नॉर। तो हम पहले जिस गेट की डिस्कशन करेंगे वो हमारे पास है नॉट गेट, बेसिकली जिसे इन्वर्टर भी कहा जाता है। एंड अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ट्रूथ टेबल में हमारे पास ये लॉजिक हाई तब देता है जब इसे इनपुट पे 0 मिला हुआ हो। तो बेसिकली हम थोड़ा देख लेते हैं, ये इसकी सर्किट डायग्राम सैंपल है जिसमें ये हमारे पास बबल शो कर रहा होता है इन्वर्जन को, इन्वर्जन या इन्वर्टर, इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है। यहाँ से आप जो भी इनपुट देंगे यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल आउटपुट मिलेगा। अब ये इन्वर्टर फ्रंट पे भी आ सकता है, बैक पे भी आ सकता है एंड इट वॉन्ट अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। तो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो तब हाई होता है जब हमारे पास लॉजिक इनपुट 0 हो, जब 1 देंगे तो ये आउटपुट भी 0 देगा। ये है इसका ट्रूथ टेबल जो कि हम वेरीफाई करेंगे मल्टीसिम पे। तो पहले हम ये अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो इन्वर्टर होता है उसका सिर्फ एक इनपुट होता है, तो हम मल्टीसिम पे से इसकी सिमुलेशन चेक करते हैं। तो बेसिकली ये इंटरफेस है मैन मल्टीसिम का, और यहाँ से फाइल वगैरह बनाना आपके पास एडिट हो गया, व्यू हो गया एंड देन जो कंपोनेंट है आप यहाँ से भी प्लेस से भी कंपोनेंट ले सकते हैं एंड देन कंपोनेंट लेने की यहाँ पे भी आपके पास कंपोनेंट्स आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपके पास बेसिक कंपोनेंट आ गए जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक कंपोनेंट्स जो भी हैं। एंड देन डायोड यहाँ पे आ गए आपके पास, ट्रांजिस्टर यहाँ पे आ गए, ओप एम्प वगैरह आ जाएंगे यहाँ से, तो ये वेरियस कंपोनेंट उठा सकते हैं। ऑन द अदर एंड जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके पास टोटल लाइब्रेरीज आ जाएंगी एंड फैमिलीज आ जाएंगी हर कंपोनेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सोर्सेज लाइब्रेरी में हैं, तो यहाँ पे हमारे पावर सोर्सेज जिसमें सारे पावर के रिलेटेड सोर्सेज जो भी हैं वो हमारे पास आ जाती हैं, ग्राउंड, VCC, VEE, सिग्नल वोल्टेज, ये डिफरेंट किस्म की जो भी करंट सोर्सेज हैं, वोल्टेज सोर्सेज सब आ गए, डिजिटल सोर्सेज। अब इस सिमुलेशन में हम ये यूज़ करेंगे। अब इस कंपोनेंट को अगर लेना है वहाँ पे मल्टीसिम यूज़ के लिए तो इस पे हमने क्लिक किया एंड देन ओके, तो ये कंपोनेंट हमारे पास आ गया। देन हमें चाहिए एक इन्वर्टर नॉट गेट। तो हमें अगर लाइब्रेरीज वगैरह नहीं पता तो इसे फाइंड भी किया जा सकता है। फाइंड के लिए आपको इस सोर्सेज को क्लिक करना है एंड देन सेलेक्ट ऑल ग्रुप्स ऑल ग्रुप्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑल फैमिलीज पे सिलेक्टेड है, नहीं तो आपको ऑल फैमिली सिलेक्ट करनी है। देन यहाँ पे नॉट गेट यानी गेट का है किसी भी कंपोनेंट का नाम लिखना है, तो हमने नॉट लिखा तो नॉट पे इन्वर्टर आ गया, देन प्रेस ओके, ये हमारे पास प्लेस हो गया, लेफ्ट माउस क्लिक से प्लेस हो जाएगा। एंड देन अगर कनेक्शन करना है तो यहाँ पे आप जैसे ही माउस का कर्सर लेके आएंगे डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। डॉट में कन्वर्ट होने के बाद आपको लेफ़्ट माउस क्लिक को क्लिक करके रखना है एंड देन इसको ड्रैग करके एंड यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये हो गया कनेक्ट हमारे पास। उसके बाद अब ये हमने डिजिटल सोर्स से इनपुट तो दे दिया, अब आउटपुट को ऑब्जर्व करने के लिए हमें एक LED चाहिए, तो LED मैं लूँगा यहीं से कंपोनेंट्स एंड देन सिमिलरली ऑल ग्रुप्स में यहाँ पे मैं LED सर्च कर लेता हूँ।
मैं बेसिकली ग्रीन एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। देन हमारे पास और ड्रैग एंड जस्ट कनेक्ट। अब यहाँ पे मल्टी सिम सॉफ्टवेयर है, जब तक आप इसे ग्राउंड नहीं करेंगे तब तक सिमुलेशन में एरर आएगा, तो सिमुलेशन में एरर से बचने के लिए वी नीड टू ग्राउंड इट। तो ग्राउंड हमें सर्च करके भी मिल सकता है एंड पावर सोर्सेज में भी हमें मिल जाएगा ग्राउंड, ये पड़ा है। उसके बाद इसे कनेक्ट कर दें एंड देन लेट्स वेरीफाई ट्रूथ टेबल। अब ये जो की स्पेस लिखा हुआ है, हमारा स्पेस का बटन हम प्रेस करेंगे तो इसका ये इनपुट वेरी होगा। अभी जीरो है, अगर मैं स्पेस बटन प्रेस करूँ तो वन हो जाएगा। सो हम अगर ट्रूथ टेबल देख लें एक बार इसका, तो हम जब वन देंगे तो आउटपुट जीरो आना चाहिए एंड जीरो देंगे तो वन आना चाहिए। सो सिमुलेशन को ऑन चलाने के लिए इस बटन को प्रेस करें और यू कैन यूज़ शॉर्टकट की F5। इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा बेसिकली इनपुट अभी है ज़ीरो, तो ज़ीरो पे आउटपुट वन है। वैसे ही स्पेस प्रेस किया, वन पे ही ज़ीरो हो गया, LED बंद हो गई, ज़ीरो पे ऑन है। तो ये हमारा है मेन इन्वर्टर जो हमारे पास ट्रूथ टेबल भी वेरीफाई कर रहा है। अच्छा, उसके बाद इसी सिमुलेशन में कोई चेंजिंग करनी है तो आपको पहले सिमुलेशन को रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, देन आप चेंजिंग कर सकते हैं। ओके, देन टॉकिंग अबाउट एन अदर गेट, हमारे पास जो सेकंड गेट हम डिस्कस करेंगे वो है एंड गेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द एंड गेट, हमारे पास एंड गेट तब आउटपुट हाई देता है जब हमारे पास फॉर एग्जांपल इट मे हैव टू इनपुट्स आर मोर देन टू इनपुट्स। जब सारे इनपुट हाई होंगे तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट हाई आएगा। तो ट्रूथ टेबल अगर हम इसकी देखें तो ये हमारे पास सैम्पल है एंड गेट की, जब दोनों इनपुट हाई होंगी तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगा। ओके, टॉकिंग अबाउट द ट्रूथ टेबल, अच्छा ये जो फॉर्मूला है ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स कितनी हैं, दो हैं, तो n की जगह पे 2 हम जब पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएंगी। देन 0 0 पे आउटपुट 0 आएगा, 0 1 पे आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है एंड गेट पे दोनों इनपुट जब 1 होंगे तभी आउटपुट हाई आएगा। 1 0 पे भी 0 होगा एंड देन 1 1 पे 1 होगा। अब इन गेट्स की सर्टेन अप्लीकेशन पे यूज़ होते हैं। अब एप्लीकेशन में डिपेंड करता है कौन सा गेट आप यूज़ कर सकते हैं एंड आउटपुट भी गेट की लॉजिक भी डिपेंड करता है, किस तरीके का गेट है, क्या लॉजिक है उसका, उसके हिसाब से। मेनली जो ट्रूथ टेबल हम बना रहे होते हैं, ट्रूथ टेबल हमारे पास उस गेट का बेसिकली ऑपरेशन बता रहा होता है कि वो ऑपरेट कैसे होगा, व्हाट आर इट्स वर्किंग कंडीशंस, या हमें आउटपुट किस हिसाब से मिलेगा। तो हमारे पास एंड गेट का आउटपुट तब हाई होगा जब दोनों इनपुट या जितने भी इनपुट हैं वो सारे हाई होंगे, तब हमारे पास आउटपुट आएगा, अदरवाइज इट विल बी ज़ीरो। सो हम सिमिलरली एंड गेट भी ले लेते हैं, यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करूँ इसे, सिमिलरली ऑल ग्रुप्स के बाद हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड गेट। ये दो इनपुट एंड गेट, तीन इनपुट एंड गेट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी उठा सकते हैं। मैं टू इनपुट एंड गेट उठा रहा हूँ एंड देन जस्ट प्लेस हियर एंड देन मुझे यही डिजिटल सोर्स लेना है तो मैं इसे कॉपी भी कर सकता हूँ, सेलेक्ट Ctrl+C Ctrl+V एंड देन प्लेस इट हेयर। अब मुझे दो इनपुट चाहिए तो एक बार और Ctrl+V देन प्लेस इट हेयर, बस कनेक्टिविटी अब कर दें सीधी, कनेक्टिविटी एंड देन इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड। यहाँ पे मुझे एक और LED चाहिए, Ctrl+C Ctrl+V ये हुई कनेक्ट एंड ग्राउंड भी नीडेड है, Ctrl+C Ctrl+V ये हुए हमारे पास सर्किट पूरा। तो ऑपरेशन की अगर बात करें, अब यहाँ पे हमारे पास की दोनों पे स्पेस है, तो स्पेस अगर मैं प्रेस करूँगा तो दोनों आउटपुट वेरी होंगे, मीन्स अभी ज़ीरो है तो स्पेस प्रेस करूँगा तो दोनों वन होंगे। सो इससे बचने के लिए आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें इसी की स्पेस पे, की फॉर टॉगल को चेंज कर दें, फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट को ए कर देता हूँ, ओके, एंड द सेकंड को बी कर देता हूँ। ये हो गया बी। नाउ मैं ए और बी प्रेस करूँगा तो ये टॉगलिंग होगी। तो हम पहले सिमुलेशन को रन करते हैं। अब हमारे पास ट्रूथ टेबल जो है वो 0 0 पे 0 देगा, क्योंकि एंड गेट है। एंड गेट में मैंने बताया था कि हमारे पास दोनों इनपुट जब हाई होंगे तब आउटपुट हाई आएगा। फॉर एग्जांपल 0 0 पे 0 देगा, 0 1 पे 0 देगा, 1 0 पे 0 देगा, एंड 1 1 पे 1 देगा। सो मैं 0 0 एंड देन 0 एंड 1 लो, 1 0 एंड देन 1 1 1 1 पे आउटपुट हाई। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रही है एंड गेट की, दैट इज आवर सेकेंड गेट। नाउ थर्ड गेट हमारे पास है और गेट। अच्छा, और गेट के लिए पहले सिमुलेशन को स्टॉप करें एंड देन कंपोनेंट को सिलेक्ट करके देन अगेन ऑल ग्रुप्स एंड देन यहाँ पे और लूँगा। और सिमिलरली यहाँ पे और गेट भी मोर देन 2 हो सकते हैं। और गेट 3 इनपुट, 4 इनपुट, 5 इनपुट, 6 इनपुट, 7 इनपुट, 8 इनपुट। अब और गेट की अगर ऑपरेशन की बात करें या सैम्पल की बात करें तो ये है और गेट की सैम्पल, इट इज़ 2 इनपुट और गेट। अब इसका जो ऑपरेशन की बात करें या आउटपुट की बात करें, जब हमारे पास दोनों इनपुट्स में से या 3 इनपुट या 4 इनपुट में से कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो हमारे पास आउटपुट हमेशा 1 आएगा। तो इसकी भी कनेक्टिविटी करते हैं। सिमिलरली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये हमारे पास एक आ गई, यहाँ पे ये आ गया, दूसरा ये हो गए हमारे इनपुट्स। एंड देन एक एलईडी ले लेते हैं। ग्राउंड, अगर ग्राउंड नहीं दिया तो आपके पास सिमुलेशन एरर आएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा सर्किट पूरा। अगर आप चाहते हैं कि इनपुट इन सब के चेंज करें तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं सी कर देता हूँ, सी, ओके, एंड डबल क्लिक। ओके, तो ये हमारे पास और गेट की दो इनपुट्स होंगे। अब इनपुट ट्रूथ टेबल की अगर बात करें हम और गेट की, तो हमारे पास और गेट, अच्छा ऑपरेशन जो इन सब का है वो कैसे रीड करेंगे हम। बेसिकली एक्स इज आवर आउटपुट विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, और रीड इज ए और बी। तो हम व्हेन ए इज ऑड विद बी आउटपुट हमारा डिपेंड करेगा। कोई भी एक इनपुट जब हाई होगा तो हमारे पास आउटपुट हाई आएगा। एंड ये एडिशन के लिए यूज़ होता है, हमारे पास एंड गेट मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, एंड नॉट गेट इन्वर्जन के लिए, यानी आउटपुट को अगर इन्वर्ट करना है तो हम नॉट गेट यूज़ करेंगे। ये इसका ट्रूथ टेबल है। 0 0 पे आउटपुट, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, एंड देन 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, एंड 1 1 पे 1 आएगा। कोई भी एक आउटपुट 1 आया तो हमारे पास इनपुट 1 आया तो हमारे पास आउटपुट आएगा हाई या 1। हमारे पास ट्रूथ टेबल हम वेरीफाई कर लेते हैं। पहले मैं इन दोनों को 0 कर देता हूँ, तो 0 0 0 0 पे आउटपुट 0 है। नाउ 0 एंड 1, 0 1 पे आउटपुट 1 है। नाउ 1 0, 1 0 पे आउटपुट हाई, देन 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। तो डी को मैं प्रेस करूँगा तो ये 1 1 हो जाएगा, आउटपुट हाई। हमारे पास ये ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो रहा है। अब ये तीन गेट्स हो गए बेसिक गेट्स। अब इनके बाद अगर हम दूसरे गेट्स की बात करें, हमारे पास जो आगे के गेट्स हैं वो गेट्स सारे इनमें से ड्राइव किए गए हैं। मीन्स दे आर एक्सटेंशन, उनमें से थोड़ी चेंजिंग, मतलब ये उनके इन्वर्ट हैं बिल्कुल। हमारे पास हो गए एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, नैंड गेट। अब हम अगर आगे बात करें नैंड गेट की,
तो नैंड गेट में हमारे पास ये हो, यहाँ पे इन्वर्टर लग जाएगा, यानी एंड गेट का जो भी आउटपुट है उसका इन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास जो वन वन पे एंड गेट में आ रहा था वन, तो नैंड में आएगा जीरो, एंड इट इज रेड, रेड इज ए नैंड बी। अच्छा, ट्रुथ टेबल की बात करें तो जीरो जीरो पे जीरो, जीरो वन पे वन, एंड वन जीरो पे वन, एंड देन वन वन पे जीरो। यहाँ पे एंड गेट में हमारे पास वन वन पे वन आ रहा था, तो ये बस उसी का इन्वर्ट करेगा। कर लेते हैं इसे भी। पहले सिमुलेशन को स्टॉप करें, एंड देन हमारे पास ऑल ग्रुप्स, यहाँ भी टू इनपुट या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तो दो या दो से ज़्यादा कोई भी एंड का ऑपरेशन आप उठाएं, एंड देन उसी लॉजिक को यूज़ करके उसका आउटपुट इन्वर्ट कर दें, तो आपके पास नैंड गेट का ऑपरेशन आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं टू इनपुट नैंड गेट यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे पास आ गया है नैंड गेट, एंड देन हमें दो सेम स्विचेस चाहिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। एंड देन आउटपुट के लिए सेम एलईडी में कॉपी कर रहा हूँ, दिस इज ग्राउंड, यहाँ पे मैं इनपुट्स के नाम चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस से अगर ये टॉगल हो रहा है तो मैं इसे फॉर एग्जांपल रख देता हूँ ई, चलो ये रख दिया, ऊपर वाला एफ रख देते हैं। तो ये हो गए हमारे इनपुट्स। ड्रैगन ड्रॉप नीचे कर लेता हूँ ताकि, नाउ दीज आर अवर इनपुट्स, अब हम ट्रुथ टेबल के हिसाब से इसे करेंगे वेरीफाई। तो जीरो जीरो पे हमारा आउटपुट जीरो आना चाहिए, पहले हम रन करना रन की सिमुलेशन, देन जीरो जीरो पे। अच्छा, नैंड का ये इन्वर्ट था, हमारे पास जीरो जीरो पे आएगा वन, आई मीन एंड का इन्वर्ट था, उसके बाद जीरो वन पे हमारे पास एंड गेट पे आ रहा था जीरो, देन ये आना चाहिए हमारे पास वन वन, एंड वन जीरो पे आ रहा था ये एंड गेट पे जीरो, एंड देन इसमें आएगा वन वन जीरो पे भी, एंड देन वन वन पे वहां पे आ रहा था वन, यहाँ पे आना चाहिए जीरो, इट्स वेरीफाइड। तो ये हो गए हमारे पास टोटल चार गेट्स। उसके बाद अगर दूसरे गेट्स को मैं बनाऊँ,